नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रमिक मंथ न्यूज पर आज की अहम खबर और आपके साथ हूं मैं आलोक शर्मा। अपने कई दशकों के तजुर्बेकार व राजनीति के पितामह कहे जाने वाले बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब भाजपा को नहीं मिल सकेगा पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी के राजनीतिक अनुभवों का लाभ। उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को हुआ था। वह एक भारतीय राजनेता है और उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सदस्य भी हैं। आरएसएस के अनुभवी कोश्यारी ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के लिए भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। भगतदा वर्ष 2001 से 2002 तक उत्तराखंड पूर्व में उत्तरांचल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। उसके बाद फिर उन्होंने वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने अब राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने श्रमिक मंच संवाददाता से पूछे गए सवाल पर कहा कि वह अब राजनीति को विराम देकर बतौर एक समाज सेवी के रूप में काम करते रहेंगे। वहीं अचानक कई दशकों के तजुर्बेकार व पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का राजनीति को अलविदा कह देना लोगों के गले नहीं उतर रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए श्रमिक मंच की एक खास रिपोर्ट। राजनीति के समाज सेवा में व्यवहार है, इसमें कैसे देखें? ये अपने अपने दृष्टिकोण है, क्योंकि मैं मूल रूप से समाज सेवी हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला हूँ। आवश्यकता पड़ी संगठन ने मुझे राजनीति में भेजा, अब राजनीति को भेजने का मेरा उनका जो उद्देश्य था पूरा हो गया है और मैं फिर से समाज क्षेत्र में समाज की सेवा में आगे आना चाहता हूँ। और इसीलिए आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंदर हम एक सर्वस्पर्शी और एक समतावादी ऐसा सबको साथ लेकर देने वाला जाति पाति से ऊपर उठकर ऐसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। हाँ, अंत में एक बात, यह खबर आपको कैसी लगी आप अपने विचार हमें साझा जरूर करें। आप हमेशा देखते रहिए श्रमिक मंथ न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।